दोस्तों कई बार आपको ऐसा लगता होगा ना कि ये जो हमारी लाइफ में परेशानी है, ट्रबल है, मुसीबतें है, ये कभी खत्म क्यों नहीं होती है? बार बार आ जाती है यार, हमारा थोड़ा सा काम भी नहीं होता है, ये मुसीबतें चारों तरफ से आ जाती है। वो चाहे हमारे लाइफ से लेकर हो, जो हम बनना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये मुसीबतें आना शुरू हो जाती है। चाहे ब्रह्मचर्य की बात हो, ब्रह्मचर्य में तो बार बार ये होता है, अर्जेस बार बार आती है, मन कहता है भाई कुछ नहीं होगा, ब्रह्मचर्य नाश कर देते हैं, बार बार हर जगह मुसीबत है भाई। ऐसा हमारे साथ हो क्यों रहा है? हम अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इस मुसीबत से ना हमारी पुरानी दुश्मनी है, तभी ये हमारे पीछे पड़ी हुई है। आज की वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। वो एक कहावत है ना, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, हमने दिसंबर तक चैलेंज शुरू किया है और पूरा भी करके छोड़ेंगे भाई, हार मत मानना दोस्त। अगर तुम हार गए ना तो तुम किसी से भी हार जाओगे, ये खुद की लड़ाई है, खुद से लड़ना है। और जो नया बंदा हमारी वीडियो देखता है ना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, आगे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, पता चल जाएगा क्या है वो। आपको ऐसा लगता होगा ना कि ये हमारी लाइफ की जो मुसीबत है, इससे हमारी पुरानी दुश्मनी है, तभी हमारे पीछे पड़ी हुई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना ठीक है, आपकी लाइफ को बदल के रख देगा ये कहानी, चाहे ब्रह्मचर्य से लेकर हो, चाहे आपकी लाइफ से लेकर हो, ध्यान से सुनना। एक बार एक लड़का था ना, वो एक रास्ते से कहीं जा रहा था, ऐसे ही कहीं जा रहा था, और रास्ते में जाते जाते उसको एक कुत्ता मिला, मतलब ऐसे ही किसी का पालतू कुत्ता मिल गया। अब वो लड़का उस कुत्ते को देखकर वहां रुक गया और वो उसे घूर के देखने लगा, कुत्ता भी और वो भी। कुत्ते को गुस्सा आया और कुत्ता उसको भौंकने लगा, जोर जोर से भौंकने लगा। अब वो लड़का सोचने लगा कि ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है। वो लड़का उस कुत्ते के और पास जाता है, कुत्ते को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो लड़का उसका मजाक करने लगता है, कुत्ते का मजाक, वो भी उसी की तरह भौंकने लगता है, उसका मजाक करता है। अब उस कुत्ते को ना इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो उसे काटने ही वाला था और उस लड़के ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया, उसके मुंह को पकड़ लिया। वो कुत्ता और ज्यादा गुस्सा हो गया, जोर जोर से भौंकने लगा। अब वो लड़का सोचने लगा, ये क्या कर दिया मैंने, इस कुत्ते का गुस्सा तो और ज्यादा बढ़ गया। अभी कुत्ता इतने गुस्से में था ना, अगर वो लड़का उसे छोड़ दे तो वो कुत्ता उसे नहीं छोड़ेगा। अब वो लड़का मन में सोचने लगा, यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, अब मैं अगर यहाँ से भाग गया ये कुत्ता मेरे पीछे आ जाएगा और काट देगा, मैंने इसे पकड़ के रखा है तब भी ये मेरे को काटने वाला है, मैं तो चारों तरफ से फंस गया, अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से। अब वो लड़का वहां पर रोने लगा, जो जो से रोने लगा, वो कहने लगा, बचाओ बचाओ, कुत्ता मेरे को काट रहा है, बचाओ भाई। वो लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था और उतने में वहां पर दो आदमी आए, दोनों दोस्त थे ठीक है। तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और वे जो दो लोग थे ना वो हैरान हो गए, वो बोले ये क्या कर रहा है, और उन दोनों में से एक ने बोला, चल भाई इसे बचाते हैं, ये बहुत मुसीबत में है यार। और दूसरे ने बोला, भाई इसे कोई नहीं बचा सकता है, ये खुद फंस चुका है, ये कुछ भी कर इसे नहीं बचा सकते भाई हम। फिर दूसरे ने बोला, भाई क्यों, इसे क्यों नहीं बचा सकते। और वो जवाब देता है, वो इसीलिए क्योंकि इसने कुत्ते को खुद पकड़ के रखा है, यानी कि अपनी मुसीबत को इसने पकड़ के रखा है और कुत्ते को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है। अगर ये यहाँ से भाग जाता है कुत्ता इसके पीछे आएगा, और ये यहाँ पर रुका है तब भी कुत्ते को गुस्सा आ रहा है। फिर दूसरे ने बोला, तब तो भाई ये लड़का गया। दोस्तों वो जो दो लोग थे ना वो बहुत ज्ञानी थे, उनको पता था इसके साथ क्या होने वाला है, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं कर रहे, वो बस सिर्फ उसको देखते रहे। और जो वो लड़का है जो कुत्ते के जाल में फंस चुका है, वो सोचने लगा कि मैं करूं क्या अब। और वो जो दो लोग थे ना उन्होंने उस लड़के को बोला कि अगर आप इस कुत्ते से बचना चाहते हैं तो इसे पकड़ो मत, इसे गुस्सा मत दिखाओ, इसे सुलाओ, इसके सिर में हाथ घुमाओ, प्यार से इसे बात करो, ये कुत्ता शांत हो जाएगा, कुत्ते से प्यार से बात करो, सब कुछ शांत हो जाएगा। और वो लड़का बोला, हाँ मैं यही करता हूँ यार, ये पहले आइडिया क्यों नहीं आया। फिर वो लड़का भी यही करता है, वो उस डॉग को धीरे धीरे सुलाता है, धीरे धीरे बात करता है, और वो कुत्ता उसका दोस्त बन गया। दोस्तों आप इस कहानी को एक बार अपनी लाइफ में जोड़ के देखो, आपके साथ भी यही होता है। आपकी लाइफ में कोई मुसीबत है, चाहे ब्रह्मचर्य से लेकर हो, चाहे लाइफ से लेकर हो, आपको लगता है ये मुसीबतें मेरे पीछे क्यों आ रही है, ये मुसीबतें खत्म क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपने उस मुसीबत को, उस परेशानी को पकड़ के रखा है। और वो जो मुसीबत है ना वो आपका पीछे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया है। अगर आपको अपनी लाइफ में ट्रबल को खत्म करना है ना, तो यही करना पड़ेगा जो उस लड़के ने किया। वैसे ही जब आपकी लाइफ में ये परेशानी होती है ना, आपको शांति से आराम से काम करना पड़ेगा, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है,
सब कुछ शांत हो जाएगा। अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख, चिंता, डिप्रेशन या ट्रबल आ रहा है और तुम उस वक्त गुस्से से काम करते हैं, तो भाई वो जो परेशानी है ना, वो भी आपसे गुस्सा हो जाएगी और आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और यही आप मानो कि आपने अगर शांति से काम किया ना, आराम से काम किया, अपने दिल से काम किया, तो ये जो मुसीबतें हैं ये भी आपके दोस्त बन जाएंगी। अब अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, बार बार अर्जीज आती है, मन कहता है भाई अब नाश करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है भाई, तो उस वक्त शांति से काम लेना, दिमाग से काम लेना, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, गुस्से से मत करना, अपने आप को समझना है, शांत होने देना है, ठीक है।